एक ऐसा रूल जो आपको दिला सकता है किसी भी पेपर में कम से कम 4 से 5 अंक, एक रूल और हो सकता है 3, 4, 5 अंक तक आपको कहीं ना कहीं से जुगाड़ बन जाए। बूंद बूंद से सागर भरता है, इसलिए एक एक मार्क्स आपके लिए बहुत ही वैल्यू रखता है। तो उन मार्क्स को कैसे कलेक्ट किया जाए, ऐसे ही छोटे 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 रूल्स जो हमें पता होने चाहिए जिनसे हमारे कुछ स्कोर बढ़ सकता है, इसी में आइए आज हम ऐसे रूल के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो आपके किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर के एग्ज़ाम में इंग्लिश अगर आती है तो उसके पेपर में मोस्टली देखने को ये मिलता है। क्या रूल है आइए बात करते हैं। सिर्फ इतनी बात करना चाह रहा हूँ, अगर सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट का है, किस चीज का है? प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस। ध्यान से सुनिएगा इस रूल को, बहुत काम का रूल है ये। अगर प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में मैं बात कर रहा हूं किसकी, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसी को कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। यही है, तो हमेशा आप ये चीज याद रखिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस में, मैंने कोई सेंटेंस दिया प्रेजेंट परफेक्ट का, तो प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस में ऐसा कोई भी एडवर्ब नहीं आना चाहिए, ऐसा कोई भी एडवर्ब नहीं आना चाहिए जो किसी पास्ट टेंस को दर्शा रहा हो। किसको? पास्ट टेंस। जी हाँ, आप प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस में पास्ट टेंस को शो करने वाला कोई वर्ड, कोई एडवर्ब, कोई ऐसा शब्द ना लगाएं जो किसी भूतकाल को दर्शा रहा है, जो किसी पास्ट टेंस को दर्शा रहा है। कौन से टेंस में पास्ट टेंस का एडवर्ब नहीं लगाना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस में पास्ट टेंस को दर्शाने वाला एडवर्ब कभी ना लाएं, कभी ना लाएं, कभी ना लाएं। और अगर आ गया तो वो गलत है, और अगर वो आ गया इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा, देखेगा कैसे हम इसको सही करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट पहले तो नजर डालना, प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस में आपको कभी भी पास्ट टेंस को शो करने वाला एडवर्ब, पास्ट टेंस को शो करने वाला वर्ड नहीं यूज करना है, नहीं यूज करना है, नहीं यूज करना है। लेकिन अगर किसी ने यूज कर दिया है तो वो गलत है। अब गलत है तो सुधारा कैसे जाए, तो सुनिएगा, सुधारने का तरीका ये है कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस में पास्ट टेंस को दर्शाने वाला एडवर्ब दिख जाता है तो गलत होता है। उसको सुधारने के लिए हम करते क्या है कि उस प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस को, प्रेजेंट परफेक्ट का जो सेंटेंस है उसको सीधे 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 हम पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं। वो जो टेंस दिख रहा है वो कौन से टेंस में चला जाएगा, ये हमारा खत्म हो करके आपको पास्ट इंडेफिनिट में बनाना पड़ेगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट के आगे कहीं कोई पास्ट टेंस का वर्ड, जैसे यस्टरडे, जैसे लास्ट नाइट, जैसे लास्ट नाइट ही क्यों, लास्ट कुछ भी हो सकता, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, है ना, द प्रीवियस डॉट, या कोई भी समय हो सकता है, इन 1998, 99, 2013, 2016 etc. तो इस तरीके का कोई भी वर्ड अगर आपके सामने आता है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो इनके आने की वजह से इतने पावरफुल होते हैं ये कि अपनी ताकत से इस प्रेजेंट परफेक्ट को तोड़ देते हैं और इसको काहे में बदल देते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। लेट्स टेक एग्जांपल, जैसे आप कह सकते हो कि आई हैव पास्ट, बहुत पूछते हैं क्वेश्चन, काफी ज्यादा एग्जाम्स में आपको ये काफी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आई हैव पास्ट इंटरमीडिएट इन 1995। कह रहे हैं मैंने 1995 में इंटरमीडिएट पास किया है। अब जरा देखिएगा यहाँ पे टेंस हमारा कौन सा है, हैव पास्ड, प्रेजेंट परफेक्ट है,
और प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं आना चाहिए क्या? पास्ट टेंस को शो करने वाला एडवर्ब। लेकिन बताइए मैंने कब पास किया? 1995। कब का जवाब मिल रहा है? एडवर्ब ऑफ टाइम है ये हमारा, पास्ट टेंस का है ना, आज की बात है, 1995 में पास किया इंटरमीडिएट। अब कह रहे हैं जब प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस में पास्ट टेंस को दर्शाने वाला एडवर्ब आ गया, इतना पावरफुल है कि इस प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट भी नहीं करेगा, बिलाव हैड पास्ट कर दे, ये भी गलत। आप सीधे सीधे इसे क्या करो, आई पास्ट इंटरमीडिएट इन 1995। जैसे कह दिया जाए राधिका हैज कम टू मी यस्टरडे, कल राधिका मुझसे मिलने आई है। अब देखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट है ना, हैज हैव लगा के थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस में आगे आ गया है पास्ट टेंस को शो करने वाला एडवर्ब, ये देखिए ये लिखे हुए हैं, ये आ गया, ये आना नहीं चाहिए, तो आना नहीं चाहिए, आ गया तो इतना पावरफुल है कि अपनी ताकत से ये प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट हैड कम में भी नहीं बदल पाएगा, ये भी गलत है। सीधे पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी फॉर्म लगाते हैं? सेकंड फॉर्म, तो केम बन गया। तो इस रूल को हमेशा याद रखिएगा, मैं इसे रिपीट कर देता हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस में ऐसा कोई भी एडवर्ब नहीं आना चाहिए जो किसी पास्ट टेंस को शो कर रहा हो, और अगर कभी प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस में पास्ट टेंस को शो करने वाला एडवर्ब आता है तो इतना पावरफुल होता है, इतना पावरफुल होता है कि वो अपनी ताकत से उस प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस को पास्ट इनडेफिनिट में बदल देता है।